नमस्कार, स्वागत है आपका दिल्ली न्यूज एक्सप्रेस में और मैं हूं आपके साथ संदेश सक्सेना। देश भर में स्वतंत्रता दिवस की धूम मची है, इसी के चलते हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं जिनका नाम है हितेंद्र बेनीवाल। सर, सबसे पहले साल मनाया जा रहा है तो क्या कुछ कहना चाहेंगे आप देशवासियों? संदेश जी, सबसे पहले तो आपको और आपके माध्यम से संपूर्ण देशवासियों में स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। देखिए, मेरा ये मानना है कि जैसा एक व्यक्तिगत जीवन में हम देखते हैं कि जब हमारा या आपका जन्म दिवस होता है तो अक्सर हमारे बड़े कहते हैं कि आप एक संकल्प कीजिए कि आप अपने जीवन से एक बुराई को त्यागने वाले हैं, तो मुझे लगता है कि स्वतंत्रता दिवस पे हम सभी देशवासियों को एक संकल्प करना चाहिए कि हम ऐसा क्या इस देश के लिए कंट्रीब्यूट कर सकते हैं कि जो हम निजी तौर पर कर पाएँ पर इससे देश का बहुत भला हो। तो हम आसानी से क्या कर सकते हैं, वो ये है कि हम एक संकल्प कर सकते हैं कि हम किसी भी भ्रष्टाचार में अपने आप को भागीदार नहीं बनाएंगे। अब इसमें क्या होता है, सबसे छोटी सी बात होती है कि अक्सर जब हम किसी सरकारी काम से या किसी निजी काम से एक लाइन में लगे होते हैं तो हमारा पहला ऑब्जेक्टिव हो जाता है कि मैं किसी भी तरीके से कोई जुगाड़ लगा के, कोई अप्रोच लगा के उस लाइन को तोड़कर उस खिड़की तक पहुंच जाऊं और सबसे पहले अपना काम करवा के निकल जाऊं। लेकिन ये जो अप्रोच है यही भ्रष्टाचार की सबसे पहली सीढ़ी होती है। हमें क्या लगता है कि नियम जो बनाए गए हैं वो हमें बांधने के लिए नहीं, वो नियम इसलिए बनाए गए हैं कि पूरा समाज सुचारू रूप से चल सके। नियमों को पालन करना इतना ही अनिवार्य है जितना एक राष्ट्र से अपना अधिकार मांगना। जी देखिए, एक बात हमें समझनी होगी कि 250 साल की गुलामी के बाद हम लोग आज़ाद हुए तो स्वतंत्रता आसानी से नहीं मिलती। इस स्वतंत्रता को हम तब पा पाए जब हमारे लाखों पूर्वजों ने अपना बलिदान दिया, और बलिदान भी अपना सर्वोच्च बलिदान, अर्थात उन्होंने अपने प्राणों की आहुति तक दी। लेकिन यहाँ पर हमें समझना होगा कि स्वतंत्रता और स्वच्छंदता ये दो वो शब्द हैं जिनमें बहुत ही कम डिफरेंस होता है। हम अक्सर इस समय जो देख रहे हैं वो क्या है, हम स्वतंत्रता की बात नहीं कर रहे हैं, हम स्वच्छंदता की बात कर रहे हैं। अब समझना होगा कि स्वतंत्रता और स्वच्छंदता, इन दो शब्दों में अर्थ क्या है, इन अंतर क्या है। इन दो शब्दों का अंतर ये है कि स्वतंत्रता जो है वो कुछ जिम्मेदारियों के साथ मिली है आपको। स्वतंत्रता इतनी सस्ती नहीं है कि आप इसे जैसे चाहें वैसे यूज़ करें। जब आप ये सोचते हैं कि आप जो चाहें, जहाँ चाहें, जैसा चाहें वैसा कर सकते हैं, तो आप स्वतंत्रता की बात नहीं, स्वच्छंदता की बात कर रहे हैं। स्वतंत्रता का सीधा सा संबंध अगर आपके अधिकारों से है तो आपके कर्तव्यों से भी है। नाउ इट इज़ नेसेसरी कि आप ये जानें कि अगर ये आपका राइट है तो क्या आपकी ड्यूटी है। अगर इलेक्शन में वोट डालना आपका राइट है तो सही कैंडिडेट को चुनना आपकी ड्यूटी है। आपने राइट तो कर लिया कि नहीं भाई मेरा अधिकार है, शिक्षा मेरा अधिकार है। शिक्षा अगर आपका अधिकार है, आपका मूल अधिकार है, तो उस शिक्षा को ग्रहण करना आपका कर्तव्य है। सरकार आपको शिक्षा का मूल अधिकार दे सकती है, पढ़ा सकती है, स्कूल दे सकती है, कॉलेज दे सकती है, टीचर दे सकती है, अच्छे से अच्छा टीचर दे सकती है। लेकिन सक्सेसफुल होने के लिए आपको खुद पढ़ना होगा, आपको अपने एफर्ट्स डालने होंगे। तो हमें स्वतंत्रता और स्वच्छंदता में डिफरेंस लेकर चलना होगा। सर, जिस तरह से आप शिक्षा से जुड़े हुए हो तो इसी से लेकर मैं आपसे एक सवाल करना चाहूँगा कि जिस तरह से कोरोना वायरस के चलते सारे शिक्षण जो संस्थान हैं बंद हैं तो ऑनलाइन क्लासेस लाई जा रही है, तो ये भविष्य के लिए कितना लाभदायक है या कहे कि मतलब कितना फ़ायदेमंद साबित हो सकता है ये ऑनलाइन क्लासेस? देखिए, एक बात समझिएगा कि जो भी शिक्षण पद्धति होती है, जब आप एक कक्षा में बैठे होते हैं, एक क्लास में बैठे होते हैं, एक स्कूल में होते हैं, तो आपका ओवरऑल डेवलपमेंट होता है, आपका संपूर्ण विकास होता है, आप बहुत सारे लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हैं। और वैसे भी ज़िंदगी से जो आदमी सीखता है किताबों से कहीं अधिक ज़्यादा वो पावरफुल होता है। तो जो लाइफ स्टाइल है और जो लाइफ स्किल है, स्कूल्स और कॉलेज बंद होने की वजह से वो बिल्कुल सिमट गया है, क्योंकि कोरोना काल में अब इससे बेटर कोई अपॉर्चुनिटी नहीं हो सकती, इससे बेटर कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास। ऑप्शन ना होने की वजह से हमें ऑनलाइन जाना ही पड़ेगा। हाँ, कुछ ऐसे लोग जो दूर दराज के इलाकों में रह रहे होंगे, जिनके पास शायद अच्छी सुविधाएं अभी नहीं पहुंच पाई हैं, उनके लिए ये बहुत अच्छा एक माध्यम होगा ऑनलाइन। पर मैं फिर भी यही कहूँगा कि ऑनलाइन कभी भी एक स्टूडेंट का ओवरऑल डेवलपमेंट नहीं कर सकता। जो इंगेजमेंट क्लासरूम में होता है, जो इन्वायरमेंट मिलता है क्लासरूम के अंदर, वो इन्वायरमेंट कभी भी ऑनलाइन से आपको नहीं मिल सकता। क्यों नहीं मिल सकता? बहुत सीधी सी बात है, आप अपने घर में ही हैं, कैजुअल होते हैं, अप्रोच जो घर में होती है वो बिल्कुल कैजुअल होती है, और जबकि आप जो स्कूल वगैरह में होते हैं कंपैरेटिवली ज़्यादा डिसिप्लिन्ड अप्रोच होती है और ज़्यादा ब्रॉड अप्रोच होती है। क्यों?
क्योंकि आप एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, अलग अलग विचारधाराओं के लोगों से बात कर रहे होते हैं, अलग अलग स्टाइल, अलग अलग टेस्ट आपको देखने को सीखने को मिलता है। पर घर में एक पर्टिकुलर सेंस में ही सब कुछ होता है क्योंकि वहाँ चीज़ें ऑलरेडी प्रीफिक्स हो रखी हैं। सर, जिस तरह से सामाजिक तौर पर पहले कहा जाता था कि बच्चों को मोबाइल फ़ोन नहीं देना, तो अब माँ बाप उसी मोबाइल फ़ोन से बच्चों को पढ़ा रहे हैं। देखिए, तो एक बात यहाँ पे समझिए, अक्सर कहा जाता है कि बच्चों को मोबाइल से दूर रखिए। हमें समझना होगा, जैसे जैसे समाज बदलता है वैसे वैसे समाज की अप्रोच भी बदलती है। आप टेक्नोलॉजी से अगर ये सोचते हैं कि बच्चों को दूर रखकर आप उनका ओवरऑल डेवलपमेंट कर पाएंगे तो ये भी गलत है। हाँ, जैसा हिंदी में कहा जाता है कि अति सभी चीज़ों की अति जो होती है वो बुरी होती है, तो पेरेंट्स को ये देखना है कि कहीं ये अति तो नहीं हो रही है, ओवर डिपेंडेंसी तो नहीं हो रही है, मोबाइल सिंड्रोम तो नहीं हो गया है। जैसे एक खास किस्म की बीमारी हो जाती है जिस पर अंदाज़ा नहीं लगता। सपोज़ करिए आपके जेब में मोबाइल है और 5-10 मिनट तक आपने मोबाइल नहीं देखा और अचानक आप मोबाइल देखेंगे और बेवजह उसकी बटन स्क्रीन को ऑन कर देंगे। आपको मालूम है कि कोई मैसेज नहीं आया है आपके पास, ना मैसेज टोन बजी है ना वाइब्रेशन हुआ है, लेकिन फिर भी आपने किया। दिस इज़ एडिक्शन। हमें इस एडिक्शन से स्टूडेंट्स को बचाना है। बट टेक्नोलॉजी कभी भी ख़राब नहीं होती है, डिपेंड करता है कि आप उसका कैसा यूज़ करते हैं। परमाणु से आप चाहें तो इलेक्ट्रिसिटी भी बना सकते हैं और चाहें तो तबाही मचा सकते हैं। इट इज़ टोटली अपॉन यू कि आप कैसा सोचते हैं। चलिए सर, थोड़ा देश की बातें कर लेते हैं कि जिस तरह से समाज में आप देख रहे हो कि धर्म की राजनीति ज़्यादा चल रही है, तो ये धर्म की राजनीति कितना देश के लिए नुकसानदायक है, कितना हानिकारक है आने वाले समय में? देखिए, यहाँ पर मेरा आम लोगों से व्यू थोड़ा अलग है। देखिए, एक नेचुरल प्रोसेस होता है। अगर मैं किसी को मारने जाऊं तो उसका रिएक्शन क्या होगा? उसका नेचुरल रिएक्शन होगा वो अपना हाथ बढ़ा देगा मेरी तरफ, अपने आप को बचाने के लिए। तो अगर मैं ये कहता हूं कि लोग धर्म की बात कर रहे हैं तो अननेचुरल नहीं कर रहे हैं। आप देखिए, धर्म एक वो सच्चाई है जिसके बिना आप समाज की परिकल्पना नहीं कर सकते। तो आप ये मान के चलिए कि आप इससे भाग नहीं सकते। क्या कर सकते हैं और क्या नहीं होना चाहिए? नहीं ये होना चाहिए कि किसी भी धर्म में कट्टरता ना आए और अतिवादिता ना आए। क्या कर सकते हैं? अगर वाकई में हम किसी को धर्म की शिक्षाएं देंगे, तो क्या लगता है आपको कि अगर किसी ने वाकई में धर्म की शिक्षाएं ग्रहण की हैं तो वो इंसान कट्टर होगा? नहीं, वो कट्टर नहीं होगा। उसके अंदर थोड़े इमोशंस होंगे, भावुकता होगी, विनम्रता होगी, अगर वाकई में उसने धर्म को समझा है। मैं इसको रिवर्स लेके जाता हूँ, क्यों ना सरकारें इस बात पर जोर देने की जगह कि सब जगह सांप्रदायिकता फैल रही है, धर्म की बातें हो रही हैं, क्यों ना हम ये कोशिश करें कि सभी को धर्म सही तरीके से समझाया जाए। जी बिल्कुल। जो धर्म वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है, जो धर्म ये कहता है कि अहिंसा परमो धर्म, तो आप सोचो कि उन धर्म के बारे में अगर सही शिक्षा दी गई तो हिंसा का स्थान बचेगा कहाँ? क्योंकि शिक्षा ही धर्म की गलत दी जा रही है। अब वो धर्म चाहे कोई भी हो, क्योंकि शिक्षा गलत दी जा रही है, इस वजह से जो इंटरप्रिटेशन हो रहा है यूथ में धर्म को लेकर वो एग्रेसिव हो गया है, और इसका फ़ायदा अनफॉर्चुनेटली राजनीतिज्ञ उठा जाते हैं। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि धर्म की शिक्षा दी जाए। और यही कारण था कि पुराने ज़माने में हमारा जो प्राचीन विज्ञान था वो ऐसा नहीं था कि बहुत छोटा सा विज्ञान हो। अगर हम बात करते हैं, हमको 15वीं शताब्दी में लोगों ने बता दिया कि गैलीलियो ने साहब सोलर सिस्टम खोज दिया, हम बड़े खुश हो गए, बड़े गर्वान्वित महसूस कर रहे हैं कि गैलीलियो ने सोलर सिस्टम खोज दिया, जब वो पैदा नहीं हुआ था। उसके पैदा होने के लाखों साल पहले से हमारे जो ऋषि थे वो नवग्रहों की बात करते आए थे, वो पहले से उन ग्रहों को जानते थे। इट इज़ जस्ट एन एग्जाम्पल कि हमारा साइंस किस लेवल का था। लेकिन उस समय की शिक्षा पद्धति में भी धर्म अनिवार्य था, धर्म अनिवार्य था। आज आप देख सकते हैं कि हमारे यहाँ पर माइनॉरिटीज़ तो अपने धर्म को पढ़ा सकते हैं, लिखा सकते हैं, समझा सकते हैं, लेकिन सनातन संस्कृति को लेकर कोई बात ही नहीं की गई है। अगर आप सनातन संस्कृति को लेकर भी बात करें, उसमें से अच्छी अच्छी चीज़ों को उठाएं, बच्चों को बताएं वो अपने घर में कैसा व्यवहार करें, अपने बड़ों से कैसा व्यवहार करें, मॉरल एजुकेशन, धर्म का आधार ही मॉरल एजुकेशन होता है। जब हम अभी तक मॉरल एजुकेशन नहीं दे पाए तो हम कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि हम अपने चारों ओर सभ्यता स्वच्छता को बात करेंगे? आपको जान के हैरानी होगी, पद्म पुराण ये कहता है कि जिस तरीके से आप अपने पुत्र की रक्षा करते हैं उसी तरीके से आप वृक्षों की रक्षा करें, क्योंकि एक वृक्ष
10 पुत्रों के समान होता है। तो जस्ट इमेजिन कीजिए कि एनवायरनमेंट को लेकर भी कितनी बड़ी बड़ी बातें की गई हैं। कहीं कहीं तो हमारे शास्त्रों में ये भी लिखा गया है कि जो आदमी नदियों के, तालाब के और झीलों के पानी को गंदा करता है वो नर्क में जाता है। और आज हम लोग गाते फिर रहे हैं कि पॉल्यूशन से इस पूरी सृष्टि को बचाइए। अगर आप पीछे से लेकर आते वो संस्कार डालते कि हाँ हमें यहाँ कचरा नहीं डालना है, एक इनिशिएटिव लिया गया था सरकार की तरफ से स्वच्छ भारत मिशन, काफ़ी अच्छा मिशन है, काफ़ी अच्छा ऑब्जेक्टिव है, लेकिन लोग ये सोचते हैं कि सरकार के नुमाइंदे खुद आएँ और उनके घरों में झाड़ू लगाएं। इसको उन्होंने एक मूवमेंट बनाया, एक इवेंट बनाया, एक आंदोलन बनाया। अब उसको कामयाब कैसे करना है ये हम सब लोगों की जिम्मेदारी है। ऐसा नहीं होगा कि देश का प्रधानमंत्री आके गलियों में झाड़ू लगाएगा। बिल्कुल, आपने देश का प्रधानमंत्री अपॉइंट किया है, झाड़ू लगाने वाला नहीं, उसका जो काम था वो कर दिया कि आप उसके लिए जागरूक बने। अब बाकी डिसीजन आपका अपना है। चलिए सर, स्वतंत्र दिवस में हम वापस आते हैं कि जिस तरह से हर साल से, मतलब लगातार जब से देश आज़ाद हुआ है, तो हम जो हमारे सरहदों पर जो सैनिक खड़े हैं, देश के प्रति अपने, मतलब अपने आप को कुर्बानी दी है देश के लिए, उनको उनके साथ साथ इस साल से क्या कोरोना वायरस, जो कोरोना वॉरियर्स है उनको भी देश सलाम करेगा, तो क्या लगता है कि मतलब क्या कुछ? देखिए, वर्तमान जो परिस्थिति कोरोना की वजह से चल रही है, केवल भारत ही नहीं दुनिया भर के 190 से ज़्यादा देशों में ये वायरस फैला हुआ है और बहुत ही जानलेवा वायरस तो है। हाँ, इतना खतरनाक नहीं है जितना बताया जा रहा है, लेकिन जान तो ले रहा है और केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। जब आपको ये पता है कि सामने वाला बहुत ताकतवर है और आप उससे अभी लड़कर नहीं जीत सकते, तो आप अपनी सुरक्षा के केवल इंतजाम करते हैं, उससे लड़ाई नहीं करते हैं, लड़ाई को टालने की कोशिश करते हैं। तो वही तरीका यहाँ भी है। कोरोना से बचने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि जो बचाव आपको बताए गए हैं आप उनको फॉलो करें। जितना हो सके आपको सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी है। और जहाँ तक रही बात जवानों की, तो एक बात समझ लीजिए कि आज हम, आप ये सब जो हम कर पा रहे हैं या ये स्वतंत्रता दिवस मना पा रहे हैं, ये केवल और केवल हमारे राष्ट्र के वीर जवानों के माध्यम से ही है। हमारे राजनीतिक दलों को भी समझना होगा कि आप किसी पे भी सवाल उठाइए, मगर जब आप सेना और सैनिक पर सवाल उठाते हैं तो आप अपनी इंटीग्रिटी, आप अपनी ही मूल्य को खो देते हैं। क्या कारण है कि अभी तक हमारे राजनेता ये नहीं समझ पाए कि इस राष्ट्र में हर व्यक्ति के लिए सेना और जवान सम्मान की दृष्टि से देखे जाते हैं। अगर आप उन पर शक करेंगे तो आपको खुद नुकसान होगा, देश की जनता को नहीं, क्योंकि वो सेना के साथ हमेशा थी, है और रहेगी। हाँ, आपको ये देखना होगा कि हम और कैसे अपने जवानों के लिए बेहतर से बेहतर सुविधाओं का आदान प्रदान कर सकें, अरेंजमेंट कर सकें, एडजस्टमेंट कर सकें, क्योंकि जिन विषम परिस्थितियों में सैनिक सियाचिन जैसी जगह पर खड़ा हुआ है या और पहाड़ी, पठारी, मैदानी खतरनाक जगहों पर खड़ा हुआ है, वहाँ पर हमें देखना होगा कि हम किस तरीके से कर सकते हैं, क्या किया जा सकता है। जाहिर सी बात है कि हम और आप तो युद्ध लड़ने नहीं जाएंगे, लेकिन हम उनका मनोबल तो बढ़ा सकते हैं। जैसे मनोबल सरकार ने कोशिश की थी कोरोना वॉरियर्स के लिए बढ़ाने की। हमें कई बार क्या होता है, किसी चीज़ के ऑब्जेक्टिव को समझना होता है। क्या मैं एक डॉक्टर नहीं हूँ, क्या मैं किसी कोरोना मरीज़ का इलाज कर सकता हूँ? क्या आप किसी कोरोना मरीज़ का इलाज कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो आप डॉक्टर के लिए क्या कर सकते हैं? आप उसको वोट ऑफ थैंक्स ही दे सकते हैं, आप उसका उत्साहवर्धन कर सकते हैं, आप उसके साथ सॉलिडिटी दिखा सकते हैं कि हाँ मैं आपके साथ खड़ा हुआ हूँ। उसके लिए ही सरकार ने कोशिश की थी, जो थालियाँ बजाई गई थी, जिसका अक्सर लोगों ने मजाक उड़ाया। आपको समझना होगा वो बीमारी का इलाज नहीं था, वो उत्साहवर्धन का एक उपाय था कि डॉक्टर्स, नर्सिंग स्टाफ एनर्जेटिक रहें, उत्साहवर्धक रहें, उन्हें भी लगे कि उनके साथ पूरा देश खड़ा हुआ है और वो जो काम कर रहे हैं उसका सभी लोग तहे दिल से सम्मान कर रहे हैं। सर, जैसे हम बात करेंगे कि हमारे देश को आज़ाद हुए 73 साल हो चुके हैं, लेकिन क्या आज़ादी के क्या मायने हैं और क्या समझते हैं आप इस आज़ादी से? देखिए, यहाँ दो चीज़ें हैं। पहले, हाँ, 73 साल हमें हो गए हैं, यानी कल कंप्लीट हो जाएंगे जी, लेकिन देश तो आज़ाद हो गया है, पर मुझे नहीं लगता कि आम नागरिक आज़ाद हुआ है। अभी हमारे जो देखने वाली बात है, हम अक्सर राजनेताओं को ब्लेम करते हैं कि राजनेताओं ने ये नहीं किया, वो नहीं किया, सारी बातें ठीक हैं, लेकिन अभी हमें देखना होगा कि हमारे सिस्टम को हम कैसे सुधार सकते हैं। राजनेता तो 5 साल के लिए आता है जाता है, लेकिन जो ब्यूरोक्रेट्स हमारे यहाँ अपॉइंट होते हैं, किसी भी योजना को प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंट करके उसके सक्सेसफुल होने या ना होना इस बात पर डिपेंड करता है कि ब्यूरोक्रेट्स ने उसके प्रति कैसी रुचि ली है, उसको कितना इम्प्लीमेंट किया है। बहुत सारी योजनाएँ चलती हैं जिनके बारे में लोगों को पता ही नहीं होता, अपने अधिकारों के बारे में लोगों को पता ही नहीं होता, और जब आपको पता ही नहीं है तो आप उसका यूज़ कैसे करोगे?
और इसके अलावा एक सबसे बड़ी बात यह है कि जनप्रतिनिधि कानून ये कहता है कि एक निर्वाचन क्षेत्र को एक प्रतिनिधि मिलना चाहिए। जब एक निर्वाचन क्षेत्र को एक प्रतिनिधि मिल रहा है तो एक राजनेता दो जगह से चुनाव क्यों लड़ता है? हमारे यहाँ पर जो लोकसभा की सीटें हैं वो 1970 की जनगणना की कैलकुलेशन पर बेस्ड हैं। तब हमारी जनसंख्या लगभग 60 करोड़ के आसपास थी, आज 135 करोड़ है। जैसा कि पूर्व राष्ट्रपति मुखर्जी साहब ने भी कहा था कि ये जो लोकसभा की सीटें हैं कम से कम 1000 होनी चाहिए। जब आपकी जनसंख्या 135 करोड़ के आसपास हो गई है तो मुझे लगता है कि ये जनसंख्या के अनुपात में लोकसभा की सीटें होनी चाहिए ताकि जनप्रतिनिधियों के साथ पब्लिक सीधा कम्युनिकेशन कर सके। आप ये देखिए कि इतनी बड़ी जनसंख्या के साथ इट इज़ ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल कि एक जनप्रतिनिधि पूरी तरह से वार्तालाप कर सके, पूरा कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश कर सके। तो हमें ये देखना होगा कि अभी हमारे पास पूर्ण रूपेण स्वतंत्रता नहीं आई है। और सबसे बड़ा चैलेंज, हमने अभी तक भी 73 सालों में जुडिशरी और पुलिस सिस्टम में सुधार को लेकर कोई काम नहीं किया है, कोई चीज़ हमने कोशिश नहीं की है। मुझे तो बड़ा ही हास्यास्पद लगता है कि जजेस अदालत चला रहे हैं या स्कूल। इनको स्कूल के बच्चों की तरह गर्मियों की छुट्टियां भी चाहिए, सर्दियों की छुट्टियां भी चाहिए। और सबसे ज़्यादा मुकदमे पूरी दुनिया में हिंदुस्तान में ही पेंडेंट पड़े हुए हैं। तो हमें समझना पड़ेगा कि हम जुडिशरी को किस तरीके से सुधार सकते हैं, क्या क्या और चीज़ें हैं जो हम जुडिशरी में लगा सकते हैं। लास्ट टू लास्ट ईयर जब बिहार में जब चुनाव हो रहे थे तो मैंने एक वाक्य देखा कि किसी ने लालू प्रसाद यादव जी को चारा चोर कह दिया और उनके ऊपर एक FIR रजिस्टर हो जाती है। जब कोर्ट ने वर्डिक्ट दिया है कि वो चारा चोर हैं तो उसके बाद भी आप एक FIR रजिस्टर कर रहे हैं, ठीक है वो बाद में खारिज हो गई, लेकिन हुई क्यों, रजिस्टर ही क्यों हुई? तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जहां खुद अदालत इतनी ज़्यादा डिले कर देती है। ये जो न्याय पाने की प्रक्रिया है, हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा कि एक एवरेज केस को ख़त्म होने में कितना टाइम लगता है। अगर इतना ही टाइम लगता रहेगा तो पब्लिक का न्याय व्यवस्था से भरोसा उठ जाएगा। तो सही मायनों में स्वतंत्रता आपके पास तब आएगी जब आपके पुलिस रिफॉर्म्स होंगे प्रॉपर तरीके से और आपके जुडिशरी के रिफॉर्म्स भी प्रॉपर तरीके से होंगे, तभी आप सही मायनों में जो है स्वतंत्रता पा पाओगे, तभी आपके सिस्टम्स जो है प्रॉपर तरीके से वर्क करेंगे। और ये प्रॉपर वर्क करें इसके लिए हमें सभी अपने ब्यूरोक्रेट्स की जवाबदेही तय करनी होगी। हितेंद्र जी, आखिर में चलते चलते एक सवाल ये रहेगा कि उन देशवासियों को क्या संदेश देना चाहोगे जो धर्म की राजनीति कर रहे हैं, आपस में मतभेद कर रहे हैं, वो सामान्य रूप से रह सके, आपस में प्रेम में रह सकें, तो उन लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, मैं तो अभी जैसा मैंने आपको पहले भी कहा था कि अगर वाकई में आपने धर्म की शिक्षा ली है तो दुनिया का कोई भी धर्म आप उठा लीजिए, वो आपको निर्जीवों की हत्या करने की इजाज़त नहीं देता, वो आपको इस बात पर लड़ने की इजाज़त नहीं देता कि आप उस सर्वशक्तिमान को आधार बनाकर लड़ाई करें, यानी कभी आप राम के नाम पर, कभी आप रहीम के नाम पर लड़ाई करें। आप लोगों ने जो इस तरीके की चीज़ें करते हैं उन राजनेताओं को मुझे कोई दोष नहीं देना है। मैं सीधा बोलता हूँ, जो लोग इन चीज़ों में इन्वॉल्व हो रहे हैं असल में उन्होंने राम रहीम सबको खुद ही बदनाम कर दिया। क्या कभी किसी ईश्वर ने कहा था आपसे कि आप मेरे नाम पर किसी दूसरे व्यक्ति की जान ले लीजिए? अगर आप वाकई में धर्म की राजनीति करना चाहते हैं तो आप धर्म को पढ़िए। आप जब धर्म को पढ़ेंगे तो आप स्वयं समझ जाएंगे कि धर्म आपको ये नहीं सिखा रहा है कि आप एक दूसरे का विरोध कीजिए, बल्कि धर्म आपको ये सिखा रहा है कि आपको सबको साथ लेकर चलना है। ये थे हमारे साथ हितेंद्र बेनीवाल जी, जिनसे हमने खास बातचीत की। अभी के लिए फिलहाल सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में।